ये देखिए ये एक्टिव हो गया है, मैंने ये चीनी इसमें घुल गया है, चीनी घुल गया है। अब इसमें मैंने 2 कप इस मेजरिंग कप से, मेजरिंग कप से 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 कप मैंने मैदा लिया है। अब इसको मैं इसमें धीरे धीरे मिला दूंगी। अब मुझको ये दही दे देना है, आधी कप दही दे देना है। टीस्पून 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर देना है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये देखिए इतना मुझे बेकिंग पाउडर दे देना। अब मुझे हल्का गुनगुना पानी देना है, पानी से अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी दे के मिला लूंगी इसको। अब मैं हाथ से मल लूंगी इसको अच्छी तरह से। पानी की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आपको पानी की ज़रूरत होगा तभी आप दोगे, वरना नहीं। इसको इस तरह से ही मुझे एकदम घबराइएगा नहीं, पानी अगर ज़्यादा होगा ना आपका तो मैदे की सहायता से इसको ठीक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने तेल देना है रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दूंगी मैं। इसको जरा फूलने दीजिए तब मैं फिर आऊंगी।
बस अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। इसको कम से कम 2 घंटे मुझे कवर करके रख देना है, उसके बाद आके ये इसका ये डबल हो जाएगा, तब जाके मैं इसको फिर से अपना बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मुझे मल लेना है पहले, फिर मैं आऊंगी। मेरा हो जाएगा इसको, अब मल मल के मुझे इसको जरा सा सही करना है। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से पीट पीट के इसको ठीक किया जाता है। ये
भी फिर मैं ये देखिए ये मैंने पैचमेंट पेपर दिया है इसको ऊपर मैं रखूंगी क्योंकि स्पॉट नहीं पड़े इसके लिए। ये इस तरह से पैचमेंट पेपर देने से इसमें स्पॉट नहीं पड़ेगा और इसको मैं धीरे से इसमें ढांक दूंगी ऐसे करके मैं सब बनाऊंगी। ओके ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं को सेक सेक के मैं रख दूंगी। अभी स्पॉट नहीं डालूंगी फिर बटर से जब सर्व करने के आगे मैं इसको बटर से कर दूंगी। ये देखिए अभी बनानी है ये सबको मैं बेल के रख दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसको तो मैं इसमें बना बना के रख दिया है। ये मीडियम गैस में होगा मीडियम थोड़ा सा मीडियम गैस बनाना है। ये हो जाएगा पलटने के समय मैं आपको आके दिखा दूं। ये देखिए एक मेरा हो गया है कोई स्पॉट नहीं पड़ा है। जब बनाने के समय जब मैं सर्व करूंगी तब इसको बटर से सेक लूंगी फिर से एक बार वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये एक हो गया है मेरा अब सेकंड ये देखिए सेकंड देखिए और भी मैं सब कर बना ले रही हूँ। ये देखिए
इस तरह से ये, फिर मैं दूसरी तरफ सेक रही हूँ। अब ये इस तरह से एक एक करके करके इसको फॉइल पेपर में रैप करके रख देना है। फिर जब सर्व करेंगी आप, तब मक्खन से इसको भूंज करके फ्राई करके तब दे देना है। अब मैं एक आपको दिखा दूंगी। अभी इसको मैं कपड़े से ढांक के रख देती हूँ। ओके, ये देखिए इस तरह से पेपर में इसको रैप करके रख सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको फिर से खोल के बना लूंगी। इस तरह से आप रैप करके रख दे सकते हो। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और मैं ये देखिए मैं बना रही हूँ, अभी बना रही हूँ। स्पॉट पर गया थोड़ा थोड़ा, मतलब ये हो गया है। इसको मैं बटर से बना लूंगी। अभी ओके, ये देखिए इसको मैं रख दूंगी। अब कल सुबह इसको फ्राई करके नाश्ते में लूंगी, छोले और कुलचे। मैं इसको को बटर में फ्राई करके दिखाऊंगी। अब देखिए मैं इसको बटर में फ्राई करूंगी।
दे रही है।